मुरादाबाद जनपद के मंझोला थाना क्षेत्र के रामतलैया कॉलोनी में आज उस समय हड़कंप मच गया जब एलपीजी गैस पाइपलाइन में भीषण आग लग गई। गैस पाइपलाइन में लीकेज होने से भीषण आग लग गई। पाइपलाइन में आग की भीषण लपटें उठ रही थी। आग से कॉलोनी में अफरा तफरी मची हुई थी। बताया जा रहा है कि घर घर एलपीजी गैस पहुंचाने के लिए बनी पाइपलाइन में यह आग लगी थी। क्षेत्रवासियों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी तो टीम मौके पर पहुंची तो वहां देखा गलियां बड़ी तंग थी। तंग गलियों के कारण फायर ब्रिगेड की टीम की गाड़ी मौके पर नहीं पहुँच पाई। क्षेत्रवासियों और फायर ब्रिगेड की टीम की सूझबूझ से मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। कॉलोनी वासियों का कहना है कि हम लोगों ने टोरेंट गैस कंपनी से कई बार शिकायत की कि गैस लीकेज है, उसके बावजूद भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। फायर कर्मी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि आग के कारणों का तो अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से हम कार्यवाही करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? ओमवीर सिंह। अमरी जी बताइएगा, जो आग लगी है क्या इससे पहले आपने कंप्लेंट करी थी और जो आग का कारण क्या रहा? ये कई बार शिकायत की गई कि हाँ ये लीकेज कर रही है गैस, लेकिन इन्होंने लोगों आके देखा भी लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं कर पाए लोग। मतलब लीकेज लगातार होती रहती है? हाँ, लीकेज लगातार, थोड़ी बदबू आती रहती है तो एहसास होता रहता है लीकेज होती रहती है। और ये चीज़ तो ऐसी है कि इससे जल्दी से भिड़ा भी नहीं जाता। हल्की सी स्पार्किंग आज क्या हुआ? आज हल्की सी स्पार्किंग किसी के मीटर में हुई, बराबर में सक्सेना जी हैं, उनके मीटर में आज स्पार्किंग हुई, तेज ब्लास्ट हुआ और नीचे क्योंकि लीकेज होगी उसने गैस पकड़ ली, काफ़ी आग लग गई। आग लगने के बाद कोई मतलब कोई हानि वानी तो कुछ नहीं? हानि नहीं, मोहल्ले वाले सब लोग जुट गए, इत्तेफाक रहा कि वहाँ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था, वहाँ रेता भी उपलब्ध था, उससे जल के सब लोगों ने बुझाई गई। नुकसान, बड़ा नुकसान हो सकता है। किसकी लापरवाही मानते हैं? टोरेंट गैस वालों की? टोरेंट गैस वालों की, क्योंकि अगर ये गैस, मैं कह रहा हूँ स्पार्किंग तो आए दिन होती रहती है, स्पार्किंग होकर आग लगना एक अलग विषय है, लेकिन गैस पाइपलाइन में आग लगना ही तो टोरेंट वालों की कमी हुई ना, तभी तो ये मामला हुआ। कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई? फायर ब्रिगेड की गाड़ी को फोन किया था, अभी नहीं आ पाई, क्योंकि हो सकता है तंग गलियाँ, इस वजह से थोड़ा आने में देर लग जाती है। मतलब कितने समय पहले आग लगी थी? आग लगे हो गया तकरीबन सवा घंटा, पौने नौ बजे करीब आग लगी। अब कितना समय हो रहा है? अब 9:50 हो रहा है। अभी तक कोई टीम नहीं आई है? पुलिस तो आगे दिख है, क्योंकि कुछ एड्रेस प्रूफ में भी पुलिस को काफ़ी दिक्कत हुई, किसी ने, कई लोगों ने फ़ोन किया, मैंने भी फ़ोन किया, तो कुछ लोगों ने जो चिड़िया टोला बता दिया, इसी वजह से पुलिस को दिक्कत हुई। हालांकि पुलिस टाइम पर आ गई थी और टोरेंट वाले भी आ चुके हैं सब लोग, लेकिन आग पर काबू जो है मोहल्ले वालों ने सब लोगों ने मिलकर संघर्ष से जो है आग बुझा दी गई। अच्छा, इतनी तंग गलियाँ हैं, उसके बाद टोरेंट वालों को ये लापरवाही इस तरीके से करनी चाहिए? नहीं, टोरेंट वालों को कम से कम इतना करना चाहिए कि जब ये गलियां हैं, उन्होंने कनेक्शन तो अपने दे दिए हैं मनमाने तरीके से, मीन्स आराम से 1100-1100 की रसीद काटते हैं वो लोग, उसके बाद कनेक्शन तो दे ही देते हैं, लेकिन इनको करना चाहिए कि हर एक ऐसी सप्लाई बंद करने कुछ ना कुछ उपकरण ये लगाएं जो मेन उपकरण हो गली के बाहर, ताकि सबको पता हो अगर ऐसा हादसा कहीं भी हो सकता है तो वहाँ से जाकर बंद कर दिया सप्लाई तो बहुत आसान हो जाएगा। अभी ये लोग, इन्होंने बंद किए सप्लाई, अभी भी इतनी तेज आवाज़ आ रही है कि मैं नहीं समझता 1.5 घंटे 2 घंटे ये आवाज़ शांत हो पाएगी। गैस तो गैस है, उसे वैसे तो रोका नहीं जा सकता। बहरहाल बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया, क्योंकि इसके आगे किसी की नहीं चलती, आदमी फेल हो जाते। हाँ, तंग गलियाँ हैं। ठीक सर, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह, LFM सुरेंद्र सिंह। सर ये बताइए, सर यहाँ जो अभी जो मतलब आग लगी थी, क्या कारण था? अब ये बता रहे हैं कि टोरंटो वाले की बिगर गैस लीकेज के कोई गैस लीकेज हुई नहीं, हमें जैसी सूचना मिली, जैसी हमारे पास कंट्रोल रूम में सूचना मिली वैसी हम चल रही है, पर सकरा रास्ते की वजह से गाड़ी हमारी बाहर खड़ी है, हम चारों कर्मचारी तुरंत भाग के आए तो यहाँ टोरंटो वाले थे, पहले ही जो है आग पब्लिक के द्वारा और टोरंटो पानी और बालू डाल के बुझा दी गई। अच्छा, मतलब कमी जो मानते हैं आप, किसकी मानते हैं प्रथम दृष्टया? अब इसमें तो देखो, हम मौके पे नहीं थे कि किसकी कमी है, कि मकान मालिक की कमी है या मजदूरों की कमी है या टोरंट वालों की, ये तो हम नहीं बता सकते मौके पे। इसके लिए आप नोटिस जारी कर रहे हैं किसी को? अब ये तो हमारे उच्च अधिकारी जाने, जो चीज समझेंगे वो कार्रवाई करेंगे। अच्छा, इसकी जाँच होगी? बिल्कुल जाँच होनी चाहिए, हमारे उच्च अधिकारी जो हैं बड़े बैठे हैं हमसे, वो जो चाहेंगे वो करेंगे।